हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बड़े लोगों के लिए कैप बनाना बताऊँगी। ये साइज़ आप जेंट्स के लिए बनाएं या लेडी के लिए, ये साइज़ दोनों ही के लिए परफेक्ट है। इस कैप के लिए मैंने ये दो यान लिए हैं, दोनों सेम कलर के हैं। ये एक सिंपल सा यान है, ये मैंने ओसवाल वूल लिया है, और ये थोड़ा शाइनी यान है। इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, शाइनी रेशे निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैप में शाइन लुक देगा। ये मैंने वर्धमान का लिया है। मैं स्टार्टिंग में इस यान से बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी और बाद में बॉर्डर बनाने के बाद इन दोनों यान को एक साथ इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। मैं बॉर्डर बनाने के लिए निटिंग नीडल 10 नंबर का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए 11 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 10 नंबर यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से लेके ऐसे हम फंदे डालेंगे। इस तरीके से डालते हुए फंदे हम टोटल 110 लूप्स बना लेंगे। 110 फंदे डाल लेंगे। हंड्रेड एंड टेन लूप्स डालने के बाद इनको बांध देते हैं दोनों धागों को, वरना ओपन होने का चांस रहेगा। अब सिलाइयाँ अलग अलग कर लेते हैं, मतलब एक सिलाई पे फंदे कर लेते हैं। सिलाई को एक फंदे पे करने के बाद हम राइट साइड रो पे हैं। स्टार्टिंग के लूप को उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा आगे, एक उल्टा। एक सीधा एक उल्टा बुनाई करते हुए हम इस फर्स्ट रो को, राइट साइड रो को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, ये देखिए इस तरीके से नज़र आएगा। सेकंड रो रॉन्ग साइड रो, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको रॉन्ग साइड रो भी देखनी पड़ेगी। मेरा स्टार्टिंग का फंदा सीधा दिख रहा है, ये देखिए इसको उल्टा बुनाई बोलते हैं, और ये सीधी बुनाई है। ये जो दिख रहा है मोती की तरह, ये उल्टा बुनाई है, तो ये यानी कि सीधा हुआ। ये जो सीधा फंदा है इसको पहले मैं स्टार्टिंग के फंदे को उतार लूँगी। अब क्योंकि ये उल्टा बुनाई है तो धागा आगे करूँगी, और जो उल्टा आ रहा है उसको उल्टा बुनूँगी, धागा पीछे करके। ये देखो सीधा दिख रहा है, सीधा नेट है, तो इसको सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा बुनती जाऊँगी। फर्स्ट रो की तरह ही है ये भी। हमें इस पूरे बॉर्डर को इसी तरीके से बुनाई करना है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। दोनों साइड से हमें इसी तरीके से एक सीधा और एक उल्टा बुनाई करते जाना है। ये देखिए
ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये सीधी बुनाई है, ये उल्टी बुनाई है, ये जो दिख रही है मोती की तरह। तो इस तरीके से बनाते हुए हम इस बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। हम दोनों साइड से ऐसे ही बुनाई करते जाएंगे, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। जो सीधा आएगा उसको सीधा बुनेंगे, जो उल्टा आएगा उसको उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बॉर्डर बना लिया है। ये 2 इंच का बॉर्डर है जो कि मैंने इस सिंगल धागे से बनाया है। इसमें शाइनी धागा अब मैं ऐड करूँगी। और दूसरी बात, मैं अब 9 नंबर निटिंग नीडल यूज़ करूँगी। पहले मैंने बॉर्डर जो है 10 नंबर की निटिंग नीडल से बनाया है, अब मैं 9 नंबर की निटिंग नीडल यूज़ करूँगी। अब मैं अपना ये शाइनी थ्रेड ज्वाइंट करूँगी इस सिंपल यार्न के साथ। देखिए कैसे जॉइंट करना है। ये हमारा सीध पहले फंदे को हम स्किप करते हैं, तो इसको स्किप कर लेंगे और धागा आगे करके, ये हमारा उल्टा निट वाला फंदा है, उल्टा निट करना है हमें। इसमें पहले इस धागे को ले लेती हूँ मैं ऐसे, और अब इस धागे को, शाइनी यार्न को ऐसे डाल के मैं राइट साइड से जॉइन कर रही हूँ। ये मेरी सीधी साइड है, ये बॉटम देख के पता लगता है। दोनों धागे को लेके एक साथ निट करूँगी। ये मैंने उल्टा निट किया है। अब मैं धागा पीछे करूँगी, दोनों स्ट्रैंड को धागा पीछे करूँगी, और सीधी निट है तो सीधा निट करूँगी। अब मैं 9 नंबर की सिलाई से निट कर रही हूँ, धागा आगे एक उल्टा, दोनों को साथ लेके चल रही हूँ, इन दोनों धागों को, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। सेम प्रोसेस करना है हमें बॉर्डर वाला ही, एक सीधा एक उल्टा बुनाई करते जाना है इस तरीके से। अब मैं दोनों निडल को अपना 9 नंबर का कर लूँगी, अभी फ़िलहाल तो ये 10 नंबर की लगी हुई है। इस धागे को हम जब वापस आएंगे रिटर्न में तो इसको बांध लेंगे अपने धागों से, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। तो एक सीधा और एक उल्टा हमें बुनाई करते जाना है इन दोनों धागों के साथ। आप जब भी बुनाई करें, कभी भी टाइट हाथ से ज़्यादा ना करें। टाइट हाथ से बुनाई करने से क्या होता है कि आपका कैसा भी ऊन हो, उसमें कुछ रेशे होते हैं जो कि स्वेटर को सॉफ्टनेस देते हैं, शाइन आती है उससे स्वेटर में, और एक अजीब सी, एक अलग सी ही सॉफ्ट स्वेटर की सॉफ्टनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप टाइट हाथ से बुनाई करेंगे तो वो सॉफ्टनेस जो है ख़त्म हो जाती है, और स्वेटर की शाइन भी ख़त्म हो जाती है। स्वेटर है या कैप बना रहे हैं आप, सॉक्स बना रहे हैं, कुछ भी बनाएं, नॉर्मल हाथ चलाएं, टाइट निटिंग ना करें। इस तरीके से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब इस 10 नंबर की सिलाई को भी हटा देते हैं, दूसरी 9 नंबर की ले लेते हैं। दोनों सिलाइयां 9 नंबर की हो गई हैं। अब ये रॉन्ग साइड रो है, रॉन्ग साइड से भी हमें वैसे ही बुनाई करना है जैसे हम बॉर्डर में करते आए थे, एक सीधा और एक उल्टा बुनाई करते जाएंगे। डिज़ाइन सेम रहेगा बॉर्डर वाला ही, एक सीधा एक उल्टा वाला। बस हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने राइट साइड से शाइनी धागे को भी अटैच कर लिया है इस सिंपल प्लेन धागे के साथ। बस यही अंतर है। और हमने सिलाइयाँ अब 9 नंबर की ले ली हैं क्योंकि धागा अब मोटा हो गया है। इस तरीके से हम इसको, इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड रो, सेकंड रो के एंडिंग पे हूँ मैं।
अब मैं इस धागे से इन दोनों को आपस में बांध दूंगी। ये जो लूज थ्रेड था हमारा स्टार्टिंग में जॉइंट किया था जो हमने, इसको बांध देंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है, एक सीधा एक उल्टा ही बनाना है दोनों साइड से, चाहे वो राइट साइड हो चाहे रॉन्ग साइड हो। जैसे हम बॉर्डर में बना रहे थे, सेम आगे भी पूरी कैप को ऐसे ही बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इतना निट कर लिया है, कितनी हाइट बनाई है मैं आपको काउंट कर नाप के बता देती हूँ। 7.5 इंच, 7.5 इंच की हाइट है ये इस वक्त। मैंने यहाँ पे कुछ मार्क लगाए हैं, वो क्यों लगाए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अब हमें इस कैप को डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है इस पोर्शन को, टॉप एरिया को। और ये एक टोटल हमने 110 लूप्स डाले थे, 110 लूप्स थे टोटल। इन 110 लूप्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ इस तरीके से। पहले मैंने 15 पे मार्क, 15 लूप्स को इस साइड से, 15 लूप देखिए इस साइड से 15 लूप्स मैंने लिए हैं। और 16th पे, यानी कि ये जो 16th लूप है, ये मैं इसको 16th लूप नहीं बोलूँगी, इसको मार्क लूप बोलूँगी। तो 15 मैंने यहाँ पे लूप लिए, फिर एक मार्क किया, फिर मैंने 25 लूप लिए बीच में, फिर एक को मार्क किया, फिर 25 लूप्स लिए, फिर मैंने एक को मार्क किया, 25 लूप्स, मार्क लूप, और लास्ट में यहाँ पे मैंने 16 लूप लिए हैं स्टार्टिंग में, सॉरी लास्ट नहीं स्टार्टिंग में। 15 यहाँ पे 16 लिए, यहाँ पे 15 लिए हैं बैल, क्योंकि एक लूप ज़्यादा हो रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे एक इंक्रीज़ कर लिया है। यहाँ पे 16 लूप्स हैं, यहाँ पे 15 लूप्स हैं, और ये एक एक लूप जो है मार्क लूप है। और इन सब इनके बीच में जो है ये 25 25 25 है। तो मैंने इस तरीके से इन इसको 110 लूप्स को डिवाइड किया है। इन 1-1 लूप मार्क लूप को मिला के तो 4 लूप हो गए। 25 प्लस 25 प्लस 25 75 15 प्लस 16 31 75 प्लस 4 प्लस 31 =110 लूप्स। तो मैंने इस तरीके से इन लूप्स को डिवाइड किया है। ये 1 जो है ये हमारा मार्क लूप है। अब कैसे डिक्रीज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने ऐसे मार्क कर लिया है, अब हम डिक्रीज करेंगे। पहले तो हम अपना सेम पैटर्न रिपीट करेंगे बॉर्डर वाला जो करते आए हैं। जब हम मार्क लूप के पास पहुंचेंगे वहां पे हमें डिक्रीज करना है। अब ये देखिए, ये उल्टा बुनाई है और ये हमारा मार्क लूप है सीधा वाला, और ये हमारा इधर भी उल्टा बुनाई है। मार्क लूप के दोनों साइड उल्टी बुनाई वाला फंदा है, पर्ल नेट वाला फंदा है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से ये मार्क लूप है, ये हमारे दोनों साइड के फंदे हैं। तो इनको मैं पहले इस तरीके से बिना बुने इस सिलाई पे ऐसे लूँगी, और फिर इसको इस तरीके से सिलाई पे दोबारा ले लूँगी। देखिए पीछे वाले फंदे से ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इन तीनों फंदों को, दो उल्टे और जो मार्क लूप है सीधा वाला, एक साथ निट करूँगी पीछे से, पीछे की तरफ से। और इन तीनों को उतार देंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये सीधा है तो मैं इसको अब सीधा नेट करूँगी। अब सिंपल
बुनाई करूँगी एक सीधा उल्टा वाली, अपने मार्क लूप तक जाऊँगी। जो हमने अभी यहाँ पे डिक्रीज़ किया है उससे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तीन फंदे जो हैं सीधे हो गए हैं। यहाँ पे ये फंदा तो सीधा ही है, ये फंदा सीधा है, ये फंदा सीधा है। एक बार फिर देखिएगा मैं कैसे डिक्रीज़ कर रही हूँ। पहले मैं मार्क लूप तक बुनाई कर लेती हूँ। सीधा फंदा बुनने के बाद फिर से उल्टा फंदा आया है, मार्क लूप है और ये उल्टा फंदा है। मार्क लूप के दोनों साइड उल्टे फंदे हैं। पहले मैं मार्क को रिमूव कर लेती हूँ, फिर से इसको उतारूँगी और पीछे से इन फंदों को वापस अपने इस निडल पे ले लूँगी इस तरीके से, और इन तीनों फंदों को एक साथ लेके पीछे की तरफ से सीधा बुनाई करूँगी। इस तरीके से फिर से तीन का एक फंदा हो गया है। अब सीधी नेट है, सीधा बुनाई करेंगे इस रो में। इसी तरीके से हम हर मार्क लूप पे डिक्रीज़ करते जाएंगे। यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ करना है, सेम तरीके से, सेम मेथड से। ये मेरी राइट साइड रो है, राइट साइड रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये जो हमने डिक्रीज़ किया था ये वो है, वो लूप है, ये ऐसे दिखाई देगा। अब हम रॉन्ग साइड रो पे हैं। रॉन्ग साइड रो पे हमें नॉर्मल बुनाई करनी है, सीधा उल्टा वाली। बस मार्क लूप पे कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये रॉन्ग साइड रो है, इसमें हमें कोई फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ राइट साइड रो में ही डिक्रीज़ करना है। राइट साइड रो हमेशा हमारी डिक्रीजिंग रो रहेगी। अब ये देखिए ये हमारा डिक्रीज्ड होने के बाद जो लूप आया था ये वो है, और ये यहाँ पे उल्टी बुनाई दिख रही है। तो हम तीनों को ही उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए तीनों फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं इस साइड से, तो हम इन तीनों फंदों को ही उल्टा बुनाई करेंगे। ये तो डिक्रीज्ड लूप है और उसके साइड के दोनों लूप हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा वो उल्टा बुनाई की तरह ही दिखाई देगा, तो उन तीनों को आपको उल्टा ही बुनाई करना है। ये हमने बीच के तीन फंदे उल्टे बुने हैं, अब सीधा बुनाई है यहाँ पर, तो इसको सीधा बुनेंगे। ये राइट साइड से कैसे दिखाई देगा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए राइट साइड से तीन फंदे जो हैं यहाँ पे सीधे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमें इस पूरी रो को कंप्लीट करना है, रॉन्ग साइड रो को। आप चाहें तो उस डिक्रीज्ड लूप को मार्क करके भी रख सकते हैं, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो ऐसे उसको पहचानना। वैसे वो खुद ही पहचान में आ जाएगा, क्योंकि वो इतना थिक होता है लूप कि वो छूने से ही पता लग जाता है।
वो इस साइड से खुद ही आपको उल्टा बुनाई दिखेगा। जैसे जैसे कि यहाँ मुझे ये तीनों उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे करके अपनी तरफ करके, मतलब मैं उल्टा बुनाई कर लूँगी इन तीनों को। धागा पीछे करूँगी, फिर से सीधा उल्टा बुनाई करना शुरू कर दूँगी। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है रॉक साइड से, कि जब आपका डिक्रीज्ड लूप आए तो उसको आप उल्टा बुनाई करें, और उसके साइड के दोनों फंदों को जो कि उल्टा दिखाई दे रहे होंगे उनको भी उल्टा बुनाई करें। तो इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम, रॉन्ग साइड रो को। रॉन्ग साइड रो बना ली है मैंने, अब मैं राइट साइड पे हूँ। उल्टा लूप आया है मेरा, अब सीधा है, सीधा उल्टा बुनाई कर रही हूँ अभी तो फिलहाल। अब ये देखिए तीनों लूप्स यहाँ पे सीधे हैं, ये तीनों जो हैं सीधे लूप हैं। ये तो सेंटर वाला है लूप, मार्क लूप वाला। अब क्या करेंगे हम, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। पहले मैं फंदों को इस तरीके से उतार लूँगी, फिर इसको पीछे से इस नेट पे दोबारा चढ़ाऊँगी इस तरीके से, और फिर तीनों फंदों को एक साथ लेके 1, 2 एंड 3 पीछे की तरफ से, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले लेते, थोड़ा फंस के फंस जाएगा। आप चाहें तो, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप दो बार भी इसको राउंड कर सकते हैं। इस तरीके से इन तीनों को भी एक कर देंगे। अब यहाँ पे उल्टा फंदा है तो इसको मैं उल्टा बुनाई करूँगी। हमें हर साइड, राइट साइड रो में डिक्रीज करना है, रॉन्ग साइड पे हमें नॉर्मल बुनाई करनी है। इसी तरीके से बनाते हुए मैं इस राइट साइड रो को कंप्लीट करूँगी, इसी तरीके से डिक्री करते हुए। सेकंड डिक्रीजिंग रो फिनिश हो गई है। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये पार्ट। अब हम रॉन्ग साइड रो पे हैं, रॉन्ग साइड रो पे ये उल्टा दिखाई दे रहा है, ये सीधा दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, तो इसको उल्टा ही बुनाई करेंगे। मतलब नॉर्मल सीधा उल्टा बुनते हुए इस रो को, रॉन्ग साइड रो को हम फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद हमें राइट साइड पे क्या करना होगा, हमें फर्स्ट डिक्रीजिंग रो अपनी रिपीट करनी होगी। जैसे हमने फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया था, उल्टा सीधा उल्टा इन तीनों को लेके एक साथ नेट करेंगे। सेम फर्स्ट डिक्रीजिंग रो और सेकंड डिक्रीजिंग रो को ही रिपीट करते जाएंगे, और ये डिक्रीजिंग पार्ट हमारा कैप का बनता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना नेट कर लिया है, ये हमारी वो साइड है जिस साइड से हम घटा रहे थे, उस तरीके से नज़र आएगा ये अनइवन सा। लेकिन डिज़ाइन जो है वो दूसरी साइड बन रहा है, डिक्रीजिंग डिज़ाइन जो मैं बनाना चाहती थी वो इस साइड बन रहा है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये डिक्रीजिंग पोर्शन। मैं बता देती हूँ कि मैं लास्ट में कितने लूप बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 लूप्स बचे हैं। अब मैं इस धागे को कट कर लेती हूँ, थोड़ा लंबा कट करेंगे क्योंकि इसको बांधने के बाद हम इस पोर्शन को ऐसे करके सीयू भी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा लंबा कट करूँगी मैं। सीयू मैं इस धागे से करूँगी, इस फैंसी धागे को, इस शाइनी धागे को नहीं सिलने में यूज़ करूँगी। पहले मैंने फैंसी धागे को कट किया, अब मैं इस नॉर्मल धागे को कट कर लेती हूँ।
इतना लंबा कट कर लेती हूँ, इतना इनफ है मेरे ख्याल से। इसको निडल में डाल लेते हैं। निडल में डालने के बाद इसको अभी बांधेंगे हम। पहले हम इस साइड से, देखिए धागा मेरा ये यहाँ अटैच है, लेकिन मैं इसको इस साइड से पूरा निडल में पिरो लूँगी। इन सभी फंदों को निडल में ले लूँगी। आप चाहें तो सारे फंदों को उतार के भी निडल में डाल सकते हैं, ऐसे खींच के, मतलब ऐसे खींच लें। और अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप सुई पे निडल पे रहने जब रहता है वो फंदा, तब भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला था अभी स्टार्टिंग के फंदों को। देख लेते हैं कोई छूट तो नहीं गया। इस तरीके से हमारा ये जो फैंसी धागा है, खींचने के बाद सबसे पहले मैं इससे इसको बांध लूँगी। इस तरीके से इसको छिपाने के बाद कट कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट, अभी हमने एक ही बार इसको बांधा है, एक दो बार और बांध लेते हैं ऐसे इस तरीके से। सर्कल एक बार और कंप्लीट करते हुए, या ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही सारे फंदों को पकड़ें। ये वाला साइड हमारा राइट साइड कहलाएगा। डिक्रीज हम इस साइड से कर रहे थे, लेकिन जिस साइड ये बनेगा वो हमारा राइट साइड कहलाएगा। तो मैं ये रॉन्ग साइड से इसको सीव कर लेती हूँ। एक एक नीट को पकड़ते जाएंगे साइड की इस तरीके से, और सीव करते जाएंगे। ज़्यादा टाइट हाथ से सीव ना करें, नॉर्मल हाथ इस तरीके से करते हुए इस कंप्लीट ओपन एरिया को सीव कर लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट सीव कर लिया है। ये हमारी रॉन्ग साइड, जो अब रॉन्ग साइड कहलाएगी। पहले तो फिलहाल हम इसको राइट साइड समझ के अपना डिक्रीजिंग शुरू किए थे। तो ये हमारी कैप का फाइनल लुक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। Thank you.